हेलो नमस्कार दोस्तों, बियम अयोध्या चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन जिन सदस्यों ने ई श्रम कार्ड को बनवाया था उन सभी के खाते में सरकार ने 2,000 रुपये भेजने का ऐलान कर दिया गया है। जिनका जिनका नाम लिस्ट में है उन्हीं को सिर्फ 2,000 रुपये मिलेगा। तो जल्द से जल्द अपना अपना अकाउंट चेक कर लें, और यदि आपने अभी तक अपना ई श्रम कार्ड अभी तक नहीं बनवाया है वो जल्द से जल्द अपना ई श्रम कार्ड बनवा लें, जिससे उनके भी खाते में रुपए 2,000 आ जाएं। दोस्तों ई श्रम कार्ड कैसे बनेगा, तो दोस्तों अपडेट कैसे होगा, संपूर्ण जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें जिससे मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे और सबसे पहले आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको यह जानकारी नहीं मिल पाएगी कि ई श्रम कार्ड कैसे बनाया जाता है, कैसे अपडेट किया जाता है। संपूर्ण जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ई श्रम कार्ड कैसे बनेगा, ई श्रम कार्ड अपडेट कैसे होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप जानेंगे। तो दोस्तों ई श्रम कार्ड को अपडेट करने के लिए या ई श्रम कार्ड को बनाने के लिए आपके पास जो भी ब्राउजर अवेलेबल है उसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सर्च टैब में लिखना होगा ई श्रम कार्ड। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको शो कर रहा है ई श्रम होम, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप ई श्रम कार्ड की जो ई श्रम योजना है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो साइट है, यहाँ पर आपके सामने जो होम पेज है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यदि आपने अभी तक ई श्रम कार्ड को नहीं बनाया है तो आपको क्या करना होगा, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर, जैसा कि दोस्तों देख पा रहे होंगे रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको इंटर मोबाइल नंबर, आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो कैप्चा शो कर रहा है उस कैप्चे को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप यदि इम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यदि यहाँ पर है यस तो यहाँ पर यस कर देंगे, यदि नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करके, जैसे दोस्तों यहां पर आप फिल करेंगे आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको आपका जो भी आधार नंबर होगा उस आधार नंबर को फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को फिल करके जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका जो ई श्रम कार्ड पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप अपना ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप डिजिटल सेवा में लॉगिन करके भी आप यहाँ से ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। दोस्तों जैसा कि यदि आपने यहाँ पर पहले से ही आप ई श्रम कार्ड बनवा रखे हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यदि आपको यहाँ पर नो योर यूएन नंबर, यदि आपको आपका जो ई श्रम कार्ड है उसका जो यूएन नंबर है आप चेक करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट प्रोफाइल यूजिंग यूएन, यदि आप अपना ई श्रम कार्ड की जो भी प्रोफाइल है वो आप यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल यूजिंग आधार, दोस्तों यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके आप अपने ई श्रम कार्ड में जो भी डिटेल्स आप अपडेट करना चाहते हैं आप अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे इस कैप्चे को फिल करके जैसे ही सेंट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा।
उस ओटीपी को दोस्तों यहां पर आप फिल करके वेरीफाई के ओटीपी के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप अपना जो भी आधार नंबर है आधार नंबर फिल करके कैप्चे को फिल करके उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अपना ही एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को फिल करके दोस्तों आपका जो भी श्रम ई श्रम कार्ड है आप वहां से अपडेट कर सकते हैं। जो भी डेटा आपको यहां पर अपडेट करना है आप अपडेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आप अपना जो भी ई श्रम कार्ड है आप बना सकते हैं और उसे बहुत ही आसानी से दोस्तों आप अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।